आप अपना नाम बताएंगी और आप कितने साल से नारी में जुड़ी हुई हैं और कैसे जुड़ी? मेरा नाम रजनी मियान है। मुझे नारी में 1 साल से ज्यादा हो गया है। मेरी आसपास की सभी लेडीज बिनाई करती थी, तो मैं उनको देख देख के मैंने सोचा मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं भी उनके संपर्क में रही। और मैंने यहाँ फिर एनजीओ में मैंने भी अपना नाम लिखाया, तो मैं तब से यहाँ जुड़ी हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा, तो तुम्हें अभी क्या क्या बुनती हो और तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है बुनने में, और तुम्हें जो पहले आता था उसमें और अभी में क्या अंतर आया? मैं टोपी बुनती हूँ और मफलर बुन लेती हूँ। और मुझे पहले मतलब उतना समझ नहीं था कि कौन सा मतलब क्या करना है। यहाँ आके मैंने बॉर्डर डालना, सिलाई करना, ये सब सीख लिया है। अच्छा, तो आपको अभी क्या कहते हैं सबसे अच्छा क्या लगता है बुनना? मुझे टोपी बुनना अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप जो यहाँ पे कमाई करती हैं मतलब उसका आपके मतलब क्यों जुड़ी हैं आप, किस वजह से जुड़ी हैं? अभी तो मैं नई नई जुड़ी हूँ, मैंने कमाई तो नहीं की है, पर मैं और आगे अच्छा करूंगी जिससे अच्छा, मेरी फैमिली को इसका फायदा हो। तो अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं और बच्चे कितने हैं आपके? पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ मुंबई रहती थी, लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब चली गई, फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। मेरा बच्चा तब छोटा था, फिर मैंने उसको यहाँ पास के स्कूल में स्कूल डाला, तो मैंने अपना ये एक आय के साधन के लिए यहाँ अपना ज्वाइनिंग करा ली। अच्छा, तो आप अभी सीख रही हैं आधे से अधिक ना? हाँ, अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ। अच्छा, तो आपका जो मतलब अभी आप मतलब बहुत आपको अपने में क्या अंतर मतलब लगता है पहले से? पहले से बहुत अंतर हो गया है। मुझे पहले से बॉर्डर डालना नहीं आता था, उसको कैसे सिलना है वो पता नहीं था। बिनना तो आता था पर उसको प्रॉपर समझ हाँ में नहीं आता था, उसको क्या करना है। ठीक है रजनी, थैंक यू सो मच। हाँ। थैंक यू, धन्यवाद।